من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम और मेरे मोहसिन और मेरे मुरब्बी और मेरे उस्ताद मौलाना हजरत मौलाना डॉक्टर वली खान अल मुज़फ़्फ़र साहब दांत बरकात में आलिया इस वक्त मेरे बराबर में तशरीफ़ फरमा है और हजरत की इजाज़त से और हजरत वाला की विसादत और उनके बराबर में होते हुए मैं बहुत ज़्यादा शायद आपसे गुफ्तगू न कर सकूं। बहरहाल हजरत की इजाज़त से चंद मारूज़ात इस वक्त की मुनासबत से और इस वक्त के मौजू और मुनासबत से चंद बातें अर्ज करता हूँ। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे भी आपको हम सब को हमारी माएँ बहनें जो भी आई हुई हैं सबको अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता करे। चूँकि पहले बतलाया गया कि ये इंतहाई बाबरकत और इंतहाई मुबारक मजलिस और महफिल है और ऐसी महाफिल और ऐसी मजालिस ज़िंदगी में कम ही नसीब होती हैं कि शादी हॉल में वहाँ ऐसी मजालिस मुनाकिद हों। आम तौर पर शादी ब्याह के मौक़ों पर अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं होती और अगर कोई करता भी है तो लोग समझते हैं कि शादी पर बुलाया था या मस्जिद में बुलाया था। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों याद रखिएगा, इस किस्म की जो महफिल अल्लाह और उसके रसूल के नाम से खाली वो दुनिया में भी और आखिरत में भी तबाही कर रही है। ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक कि जो मजलिस वाले जिस मजलिस में बैठे और वहाँ एक मरतबा भी अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा ना हो, जब वो उस मजलिस से बर्खास्त होते हैं तो ऐसा है जिस तरह से किसी मरे हुए गधे से मुर्दार होकर जाते हैं। तो इसलिए दरख्वास्त ये है कि इस किस्म की मजालिस जब भी मुनाकिद हो उन मजालिस को अपनी दुनिया और आखरत दोनों जहानों की कामयाबी का जरिया और सबक समझा करें और जब ऐसी मजालिस में अगर इंतज़ाम ना हो कोई बयान करने का कोई तज़किरा करने का तो जब हम दो चार साथी आपस में मिल बैठते हैं तो बीच में एक मरतबा दो मरतबा चार मरतबा अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा ज़रूर आना चाहिए ताकि हमारी मजालिस ये क़यामत के दिन हमारे लिए वबाल न बने। इस वक्त की मुनासबत से एक बात तो ये है कि हमारे मोहतरम कारी गुलज़ार साहब ने जो तिलावत फरमाई है ये सूरतुल मुज़म्मिल एक मशहूर सूरत है, हर आदमी जानता है और 29वें पारे की ये सूरह मुबारका है और इस सूरह मुबारका की इब्तदाई जो 10 आयात हैं ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली तीसरी वही है। पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की इब्तदाई आयात 5, दूसरी वही या अय्युहल मुद्दस्सिर जो सूरतुल मुज़म्मिल के बाद है वो उसकी इब्तदाई आयात और तीसरी वही सूरतुल मुज़म्मिल की इब्तदाई 10 आयात है और चौथी वही जो सबसे मुकम्मल सूरत नाजिल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो सूरतुल फातिहा है। तो मैं इस वक्त सूरतुल मुज़म्मिल का कुछ थोड़ा सा हिस्सा आपके सामने उसके तफसीली नुकात पर तुमाना अर्ज करता हूँ। इस सूरह मुबारका में रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रात का अमल बतलाया गया कि आपने रात कैसे गुजारनी, आपने रात किस तरह से गुजारनी है।
अल्लाह तबारक तआला अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बराए रास तरबियत कर रहा, बराए रास अल्लाह पाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम को तालीम सिखा रहा और आपने इरशाद फरमाया, अदबरी रब्बी फअहसन तअदीब, मेरे परवरदिगार ने मुझे बड़े खूबसूरत आदाब जिंदगी के बताए, मैं दिन किस तरह से गुजारूं, मैं रात किस तरह से गुजारूं, मेरी मजलिस कैसी हो, मैं अपने घर में वक्त कैसे गुजारूं, मैं माशरे में वक्त कैसे गुजारूं, ये सब मेरे परवरदिगार ने बहुत खूबसूरत अंदाज से मुझे सिखाया। सूरतुल मुद्दसिर जो इसके बाद की सूरत है, उसमें अल्लाह पाक ने दिन का काम सिखाया, दिन आपने किस तरह से गुजारा, और सूरतुल मुज़म्मिल में रात का काम सिखाया, घर में आपने रात किस तरह से गुजारनी है। सुनिए, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैल इल्ला क़लीला, सबसे बुलंदतर दर्जा तो यह है ऐ नबी कि आप सारी रात अपने परवरदिगार के सामने खड़े हो जाएं और आपकी सारी रात कुरान के साथ गुजर जाए और कुरान पढ़ पढ़ कर आप अल्लाह को सुने। सारी रात नहीं कर सकते, आधी रात कर लीजिए, आधी नहीं कर सकते एक तिहाई कर लीजिए, एक तिहाई नहीं कर सकते एक चौथाई हिस्सा कर लीजिए। अच्छा, इतना भी अगर नहीं हो सकता तो दूसरे रुकू में ये इरशाद फरमाया, आलिमा अन सयकूनु मिनकुम मर्दा, अल्लाह खूब जानता है कि तुम में से बहुत सारे बीमार भी होंगे, वआखरून यद्रिबून फिल अर्द, बहुत सारे सफर में होंगे, सफर में फर्ज भी बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं और सफर में फर्ज भी अल्लाह पाक ने मुख्तसर कर दिया, वआखरून युकातिलून फी सबीलिल्लाह, और तुम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अल्लाह की राह में जिहाद व क़िताल यानी दीनी मशगूलियत में होंगे। तीन मशगूलियात समझाई, बीमारी भी हो सकती है, सफर भी हो सकता है, दीनी कोई काम भी हो सकता है। इन तीनों मसरूफियात के बावजूद भी फरमाया, फ़क़्रउ मा तयस्सर मिन, आप रात गुजारने के लिए अपने परवरदिगार के साथ थोड़ी देर कुरान मजीद के साथ वक्त गुजारें, थोड़ा सा टाइम आप रात का कुरान को दें, वरतिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को रात को खूब ठहर ठहर कर पढ़ा, इस ठहर ठहर कर पढ़ने में आपकी जिंदगी बदलेगी, आपकी जात बनेगी, जब आपकी जात बनेगी तो आप माशरे को सुधार सकेंगे। आज हर आदमी माशरे को सुधारने की सोचता तो है लेकिन अपने आप को आदमी माशरे का फर्द नहीं समझता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सूरतुल मुद्दसिर में बाद में दिन का काम है कि लोगों में आपने अल्लाह का तआरुफ कैसे कराना है, और सूरतुल मुज़म्मिल में अपनी इस्लाह आपने कैसे करनी है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला वसल्लम को ये उसूल और ये रुमूज समझाएंगे कि आपने अपनी जात की इस्लाह कैसे करनी है। जब आप खुद बनेंगे और आपके अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर और अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, जो आपके पास होगी वो आप लोगों को अता करेंगे। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये रात का अमल सिखाया था। आज भी जो बाप, जो माँ, जो घर का सरबरा, जो घर का सरपरस्त ये चाहता है कि मेरे घर में सुकून की जिंदगी हो जाए, मेरी नस्लें सही राह पर चलना शुरू कर दें, मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरी नस्लें सही राह पर हों और किसी बेराह रवि का, किसी गुमराही का और किसी गलत रास्ते का शिकार न हो, उनके लिए सूरतुल मुज़म्मिल का बहुत बड़ा पैगाम है कि वो रात को अपने परवरदिगार के साथ कुरान मजीद के साथ मशगूल होकर वक्त गुजारे, कुछ न कुछ वक्त रात का गुजारे। अपने आप को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बताते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुनन में इस रिवायत को नकल किया है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़्वी इला मंज़िल, आप अपने घर में तशरीफ लाते हैं। अब इस हदीस से पहले मैं एक बात अर्ज करता हूं, यकीनन आप जितने अहबाब यहां तशरीफ फरमा हैं, मेरी माएं बहनें भी सुन रही हैं, सब के सब ये चाहते हैं कि हमारे घर की जिंदगी पुरसुकून हो। कोई आदमी शादी इसलिए नहीं करता कि घर में चिक-चिक हो रोज, कोई आदमी औलादें इसलिए नहीं जानता कि रोजमर्रा औलादों की तरफ से परेशानियां हो, औलादें भी सुकून का जरिया, बीवी भी सुकून
का जरिया। घर वही इंसान चाहता है कि जिसके अंदर सुकून और इत्मीनान हो। हर आदमी, हर मर्द, हर औरत अपने घर में सुकून चाहते हैं। मुझे आप ये बताइए कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से घर की जिंदगी पुरसुकून बनाई है, इससे ज्यादा जिंदगी पुरसुकून बनाने का कोई जाब्ता उसूल नहीं हो सकता जो अल्लाह के नबी ने उसूल अपनाया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब आपका विसाल हुआ तो 9 अज़वाज मुतहरात और 9 की 9 प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से 100% खुश हुए। घर की जिंदगी पुरसुकून है, बाहर की जिंदगी पुरसुकून है, घर आराम की जगह है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। क्यों? इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन घर में जिंदगी गुजारने के उसूल बताए। अब इस हदीस की तरफ आते हैं। क्या इरशाद फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में आते तो फरमाया जज़ला दुखूलहु सलासत अज़ाही। आप अपने घर में जो वक्त गुजारते थे उस वक्त के 3 हिस्से कर लिया करते थे। फरमाया जुज़्वन लिनफ्सी, एक हिस्सा अपने आराम के लिए मुख्तस कर रहे, खास कर रहे। वजुज़्वन लिअहलिही, और एक हिस्सा अपने घर वालों के साथ बैठने के लिए मुख्तस कर लेते। वजुज़्वन लिरब्बिही, और एक हिस्सा अपने परवरदिगार के सामने मुनाजात और अल्लाह से मांगने और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मुख्तस कर लेते। तो अगर आप इस्लाम घर में वक्त गुजार रहे हैं तो रात अगर गुजारते हैं तो रात के 3 हिस्से बना लेते। दिन में जितना वक्त आप घर में तशरीफ लाए, 1 घंटे के लिए आए तो इस 1 घंटे को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते। 4 घंटों के लिए तशरीफ लाए, 3 हिस्सों में वक्त को तकसीम कर दे। 3 घंटों के लिए तशरीफ लाए तो 3 हिस्सों में वक्त को तकसीम करवा दे। अब सुनिए, जो वक्त आप अपनी घर वालियों के लिए मुख्तस करते उसमें क्या करते, कैसे घर में सुकून पैदा होता है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई जिंदगी में बता। आप अलैहिस्सलाम हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, जब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते तो आप मुस्कुराते चेहरे के साथ घर में दाखिल। ये बहुत बड़ा पैगाम है उन रिजाल, उन मर्दों के लिए जो अपने घर में दाखिल होते हैं तो किस तरह से दाखिल हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए दाखिल। आप इस सुन्नत पर आइए, देखो घर की जिंदगी पर सुकून कैसे। नंबर 2, फरमाया हम अगर किसी काम में मशगूल होती, हम में से कोई सब्जी काट रही होती, कोई गोश्त काट रही होती, कोई घर के काम में मशगूल होती तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ हाथ बटाया करते, हमसे छुरी लेकर वो खुद गोश्त काटते और सब्जी भी काट लिया करते। माए बहने मेरी बात सुन रही है, ये बात तो जरूर कहेगी कि देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में ये काम किया करते थे, मुझे पता है। लेकिन मैं माँ बहनों से ये बात भी कहूंगा, उनको ये भी समझना चाहिए कि इससे ये बात साबित हुई है कि वहां घरों में खाना पकते थे, वहां घरों में खाने पका करते थे। आजकल माए बहने पकाने के लिए फुर्सत ही नहीं, वो कहती है बाहर से ले आना, अपने लिए भी ले आना, मेरे लिए भी ले आना, तुम खा के आयो मेरे लिए भी ले आना। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की जिंदगी ये नहीं थी। क्यों? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर खाना पक रहा और आपकी आप आज के माशरे के अंदर माँ बहन घर में खाना पकाती है, जाहिर है मुसलमान है, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत है। मुझे बताइए, जो माँ बहन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हांडी पकाना शुरू करेगी तो क्या इस बिस्मिल्लाह का असर खाने पर नहीं पड़ेगा? जो माँ बहन अल्लाह का नाम लेकर खाना बनाएगी, खाना पकाएगी, सब्जी काटेगी, सारे काम अल्लाह के नाम से शुरू करके करेगी, और उलमा ने लिखा है कि जो आदमी बिस्मिल्लाह का इंतजाम और एहतमाम हर काम में करता है, बिस्मिल्लाह में 19 हुरूफ हैं और जहन्नम पर 19 फरिश्ते अल्लाह तबारक तआला ने मुकर्रर फरमाए हुए हैं। सूरह मुद्दसर में फरमाया अलैहा 19 फरिश्ते अल्लाह ने जहन्नम पर मुकर्रर फरमाए। जो हर अमल में बिस्मिल्लाह को इंतजाम से पकड़ता है और पढ़ता रहता है उसको अल्लाह पाक जहन्नम के 19 फरिश्तों से महफूज रखे, जो अजाब देने के लिए मुख्तस हो। तो इससे एक सबक मिल गया माँ बहनों को कि घरों के अंदर पकाने का इंतजाम और एहतमाम किया जाए।
ये माँ की जिम्मेदारी है, ये मेरी बहन की घर में जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर के लिए खाना बनाए, अपने शौहर के लिए खिदमत करे और उसको सआदत समझे। ये अज़वाजे मुतहरात की जिंदगी है। फिर उसके बाद आप शौहर से मुतालबा कर सकती है कि आप भी मेरे साथ काम में तामन कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दूसरा अमल बतलाया हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने। आप घर में दाखिल होते तो आप अपनी बकरी का दूध भी खुद निकाल लिया करते थे, आप अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर को खुद बिछा लिया करते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऊंटनी का दूध भी खुद निकाल लिया करते थे, यक्सिबुन्नाल अपना जूता दुरुस्त कर लिया करते थे, जूता फटा हुआ उसको घांट लिया करते थे। क्या कोई आज तसव्वुर कर सकता है घर में जूते को पॉलिश करना? मुझे आप ये बताइए, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहर की जिंदगी ये है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु हमारे उस्तादी तशरीफ फरमा है और उलमा बैठे हुए मौलाना शहजाद साहब, मौलाना फवाद साहब और उलमा इकराम भी है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु इस खिदमत के लिए मुख्तस थे, वो आप इस्लाम के जूते भी उठाते थे, आपकी मिसवाक भी उठाते थे, आपके लिए वजू के पानी का इंतजाम भी करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी आकर घर में मुतालबा ये नहीं किया कि बाहर तो जनाब मेरे लिए खादिम और खिदमत गुजार हैं, लिहाजा घर के अंदर भी तुम मेरी खिदमत करो। नहीं, आपने अमल से समझाया कि घर के अंदर रहने वाली खातून वो लोंडी और बांदी नहीं है, वो खादिमा नहीं है, वो शरीका हयात है। आपने यूं जिंदगी गुजारी, इस तरह से आपने जिंदगी के उसूल समझाए। और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो हिस्सा जो आपने अपने घर वालों के लिए मुख्तस किया हुआ था, उस हिस्से में आप घर वालों के पास बैठते, आप उनको किस्से सुनाते, आप उनको वाकयात सुनाते, आप अच्छी अच्छी बातें सुनाते। ये इशारा इस बात की तरफ है कि घर के सरबराह घर में दाखिल होकर वक्त का एक हिस्सा अपने घर वालों, अपनी बीवी, अपने बच्चों की तरबियत में लगाए, और दूसरा हिस्सा अपने आराम के लिए होता था, और तीसरा हिस्सा अपने परवरदिगार की बंदगी और इबादत के लिए होता था। हजरत अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हुमा एक जलील कदर सहाबी है और सबसे ज्यादा इबादत गुजार थे। आप इस्लाम को पता चला कि ये सारी रात कुरान पढ़ते रहते हैं और सारा दिन रोजा रखते रहते हैं। अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस फरमाते हैं, रसूलुल्लाह मेरे घर में तशरीफ लाए और आपने मुझसे पूछा कि अब्दुल्ला मुझे पता चला है कि तुम सारी रात कुरान पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो रोजाना? आप जितने हजरात तशरीफ फरमाए सुन लीजिएगा। कह अल्लाह के रसूल, हर रात में एक कुरान पढ़ लेता हूँ। रोजा कितना रखते हो? अल्लाह के रसूल, रोजाना रोजा रखता हूँ। अल्लाह के नबी कम करा रहे हैं, फरमाया नहीं अब्दुल्ला कुछ कम कर लो। अल्लाह के रसूल, कितना कर लो? कहा हर महीने के 3 रोजे रख लिया करो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, में और रखने की ताकत रखता हूँ। फिर फरमाया अच्छा ऐसा करो कि 2 दिन रोजा रखो, 1 दिन छोड़ दिया करो। कहा मैं मजीद भी रख सकता हूँ। कहा अच्छा ऐसा करो, 100वें दाऊदी पर आ जाओ, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे, 1 दिन रोजा 1 दिन ना, 1 दिन रोजा रखते थे 1 दिन नहीं रखते थे, इस पर आओ। ठीक है अल्लाह के रसूल, इस पर अमल कर लिया। कुरान की बात कहा, मैं रोजाना एक कुरान पढ़ता हूँ। आपने फरमाया नहीं अब्दुल्ला ऐसा ना करो, ऐसा करो कि महीने में एक कुरान खत्म कर लिया करो, महीने में एक कुरान पूरा कर। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, मैं और पढ़ सकता हूँ। आपने फरमाया अच्छा फिर ऐसा करो, 1 हफ्ते में एक कुरान पढ़ लिया करो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, मैं और पढ़ सकता हूँ। फिर आपने फरमाया ऐसा किया करो, 3 दिन में एक कुरान पढ़ लिया करो, इससे ज्यादा मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता। क्या काम था अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु का? नमाज, कुरान, रोजा। गुनाह का काम तो नहीं था। अल्लाह के रसूल किस अमल से रोक रहे हैं कि अपनी इबादत के अंदर एतदाल लेकर आओ? अब अगली बात सुनिएगा। आपने इरशाद फरमाया अब्दुल्ला, इन्ना लिअयनैका अलैका हक्का, ये जो आंखें अल्लाह ने अता फरमाई हैं, इन आंखों का तुम्हारे ऊपर हक है। आज मेरे दोस्त, मेरे जवान साथी और मेरी बेटियां और मेरी बहनें सोचें कि रात का कितना वक्त स्क्रीन के सामने गुजरता है। क्या वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आज के माहौल के मुताबिक नहीं? इन्ना लिअयनैका अलैका हक्का, के तेरी आंखों का तेरे ऊपर हक है। क्या ये आंखों के साथ जुल्म नहीं करता सारी रात? जो इन आंखों से गुनाहों के मनाजिर को देखता है, ये जुल्म और ज्यादती नहीं है?
साफ साफ फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला तुम्हारा एक एक अमल लिख रहा, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ, आंखों की हरकत को भी जानता है, दिलों में आने वाले एहसासात से भी अल्लाह आगाह है। और आपने इरशाद फरमाया इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़ुन, अब्दुल्ला बाहर से आया हुआ जो मेहमान होगा उसका भी हक है, उसको भी टाइम देना है आपने। और अब्दुल्ला इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़ुन, बीवी का भी हक है। एक रिवायत में वइन्ना लिअहलिका अलैका हक़ुन, घर वालों का भी हक है, बच्चों का भी हक है। जवानों के लिए ये सबक है कि बाप के पास बैठना ये बाप का हक है, माँ की खिदमत में बैठना ये हक है। कोई खिदमत नहीं है माँ की इस वक्त, कोई बात नहीं है बाप की खिदमत इस वक्त, लेकिन माँ बाप के पास बैठना ये उनका हक है। आज जवान को टाइम कहाँ मिलता है, वक्त कहाँ मिलता है माँ बाप के पास बैठने का। घर में आया, तालीम से फारे होके यूनिवर्सिटी कॉलेज से आया, अपनी जॉब से ऑफिस से आया, थोड़ी देर घर में जनाब अपना यूनिफॉर्म उतारा और खाना मिल गया खा लिया, नहीं तो निकल गया दोस्तों के पास और सारी रात गए तक दोस्तों में मशगूल रहा। वापस उसकी माँ बूढ़ी घर में इंतजार में है, बूढ़ा बाप इंतजार में है, वो देखने को तरसते हैं लेकिन इसके पास फुर्सत नहीं। ये जवान अपनी जिंदगी भी तबाह कर रहा है, अपनी नस्लों की जिंदगी भी तबाह कर रहा है, इसलिए कि जिस तरह से ये वक्त गुजारेगा इसकी नस्लें भी इसके साथ इसी तरह से वक्त गुजारेगी। ये आज माँ बाप के साथ बदसलूकी से पेश आ रहा और तुर्श लेजे से पेश आ रहा, इसकी नस्लें भी इसके साथ इसी बदसलूकी और इसी तुर्श लेजे से पेश आएगी। इस जवान को समझना चाहिए, इस बेटी को समझना चाहिए कि इस वक्त माँ बाप की खिदमत करना ये इसलिए कर रहा हूं कि ताकि इसकी अपनी औलाद इसकी फरमाबरदार बन जाए। इसलिए आपने फरमाया इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़ुन, इन्ना लिअहलिका अलैका हक़ुन, घर वालों का हक है। फिर फरमाया इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़ुन, तुम्हारे रब का भी हक है। आपने यूं घर की जिंदगी समझाई है, इस तरह से घर की जिंदगी गुजारनी है तो घर की जिंदगी पुरसकून होगी। आंख का भी हक है, जिस्म का भी हक है, बीवी का भी हक है, मेहमान का भी हक है और रब का भी हक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं पांच बातें कहलाकर इरशाद फरमाकर अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को घर के अंदर जिंदगी गुजारने के उसूल समझा दी। तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, दरख्वास्त है कि हम भी अपने घर की जिंदगी उसी तरह से गुजारें जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में जिंदगी गुजारी। फिर आप देखिए कि हमारे घर की जिंदगी किस कदर पर सुकून होती है, किस कदर पर इत्मीनान होती है। और कुरान मुकद्दस के साथ कुछ वक्त गुजारे इसका हक है, इस पर ईमान लाना, लाए हो सारे ईमान, इसका हक है। इसका तलफ्फुज दुरुस्त करना, सही अदायगी के साथ पढ़ना इसका हक है। जिसको इस हक में कोताही है उसकी इसलाह करे, किसी पढ़ने वाले को जाके सुना दीजिए। इसका हक है, इसका माना सीखना इसका हक है। इसको रातों को उठ उठ कर पढ़ना इस कुरान का हक है। ये सिर्फ कुरान खानी के लिए नहीं आया है कि फौतगी के मौके पर पढ़ लिया जाए और उसका हक अदा हो गया है, नहीं। ये वो कलाम है कि जिसको रब्बुल आलमीन ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा और ये जिंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन उसूल है और सबसे बेहतरीन रहनुमाई करने वाला अल्लाह का कलाम है। कैसे इसे रहनुमाई हासिल करें, इसके लिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। इसीलिए कुरान ने ये आवाज लगाई, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा था, जो हाफिज हुआ, उसने ये आयत पढ़ी, मुझे ये मफ़हूम याद आया, सिबगतल्लाहि वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा वनहनु लहु आबिदून। आज हम यूरोप के रंग में रंगना चाहते हैं, हम अंग्रेज के रंग में रंगना चाहते हैं, हम दुनिया के रंग में रंगना चाहते हैं। अल्लाह कह रहा है अल्लाह के रंग में रंग जाओ, अल्लाह कह रहा है मेरे नबी के रंग में रंग जाओ, अल्लाह कह रहा है मेरे रसूल का उसवा तुम्हारे लिए काफी है, इससे बेहतर कोई जिंदगी नहीं है। जो उसूल जिंदगी के मैंने तुम्हें बताए हैं, इससे बेहतर कोई उसूल नहीं है। इन उसूलों पर अपनी जिंदगी को गुजारो। इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर की जिंदगी को पुरसुकून बनाया। तो कुरान के साथ अपना रब कायम कीजिए, अपना ताल्लुक कायम कीजिए, रातों को पढ़िए इसको और इसे सीखिए, इसका माना सीखिए, इसका तर्जमा जानने की कोशिश कीजिए। और फिर याद रखिएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह इस कुरान के जरिए से कौमों को बुलंद करता है और इसी कुरान ही की बदौलत अल्लाह कौमों को पस्त भी करता है।
आज हमारी पस्ती का सबब क्या है, कुरान को कसे खुशहाल। इसलिए आपने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल कुरान हुज्जतुन लक अव अलैक, ये तुम्हारे हक में भी गवाह होगा और तुम्हारे खिलाफ में भी गवाह हो सकता है। अमल करोगे तो हक में गवाह होगा और अगर अमल नहीं करोगे ये तुम्हारे खिलाफ गवाह होगा। अल्लाह पाक मेरी आपके हम सब की हिफाजत फरमाए, ये कुरान हमारे खिलाफ गवाह बन जाए। और जब ये जिसके खिलाफ गवाही दे देगा मैदान महशर में, उसकी निजात नहीं हो सकती। जिसके खिलाफ कुरान गवाही देगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे बेजारी का इजहार फरमाएंगे। वो कहेंगे मैं भी बरी हूँ जिससे अल्लाह का कलाम बरी है, और जिसके खिलाफ अल्लाह का कलाम गवाही दे रहा है। वकाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां ये गवाही देंगे, ऐ अल्लाह मेरे फला फला उम्मती ने कुरान को छोड़ा हुआ था, लिहाजा आज मैं इनकी सिफारिश करने को तैयार हूँ। तो इसके कुरान के साथ अपना रब्त और ताल्लुक कायम कीजिए। अल्लाह पाक हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए और इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मोहतरम सिराज साहब। अल्लाह तबारक तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। इनके पोते ने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया और इसके वालिद मोहतरम के लिए और पूरे ख़ानदान वालों के लिए अल्लाह तबारक तआला बख्शिश और मग़फ़रत का ज़रिया बनाए। यकीनन एक हाफिज़ 10 अफराद को जन्नत में लेकर जाएगा। दरख्वास्त है कि अपने ख़ानदान में एक एक हाफिज़ ऐसा बनाएं और पैदा करें ताकि हमारी जन्नत का सामान पैदा हो सके। अल्लाह तबारक तआला हम सब का बैठना कबूल फरमाए और उस्ताज़ मोहतरम दुआ फरमाए। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين